नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, कल एग्ज़ाम होने वाला है बीएड का, और बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आप लोगों को सूचना देने वाला हूं, और सूचना बहुत ही ज़रूरी है ये सूचना आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये सूचना आप पूरी सही तरीके से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 2-3 मिनट का इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं बता दूं, मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और बहुत से बच्चों का, बहुत से स्टूडेंट का जो है अयोध्या में सेंटर आया होगा। अयोध्या में सेंटर आने का मतलब है, इस समय अयोध्या में जो है कार्य जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और इसके वजह से यहाँ पे जो है नाली का काम और फिर रोड का काम नए घाट से लेकर शहादतगंज तक जो है काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। आवागमन बाधित है, पूरा जो है टैक्सी को लगभग नए घाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक अभी एक शिफ्ट में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक रोक दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए स्टूडेंट को पेपर देने में, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों का जो है पेपर अयोध्या में सेंटर है और 9 बजे से है, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले यहाँ पे आ जाइए। और जो है अगर सेंटर जो है अयोध्या में नहीं है, थोड़ा फैजाबाद से है, तो अयोध्या में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप बाईपास होकर के जो है अपने सेंटर पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार अयोध्या में आप घुस जाएंगे तो इस समय स्थिति इतनी बदतर है कि जो है आपको सवारी नहीं मिल पाएगी, या हो सकता है कि आपको सवारी ना मिले और आपका पेपर छूट जाए। यही सूचना थी, क्योंकि फैजाबाद में जो है सेंटर अधिकतर बहुत से सारे बच्चों का सेंटर बनता है, कई डिस्ट्रिक्ट के, गोंडा हो गया, गोंडा, बस्ती, आजम, अम्बेडकर नगर, 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है फैजाबाद में पेपर देने आते हैं। इसीलिए ये सुझाव देना बहुत ही ज़रूरी था। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सावधानी बरतनी है, आपको जल्दी से जल्दी सेंटर पे पहुँचना है, क्योंकि जो है अगर आप सेंटर पे तक जो है आधा घंटा 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम से नहीं पहुँचे यहाँ पे आ जाएंगे फैजाबाद में, तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जाम बहुत ख़तरनाक तरीके से लगता है, और रास्ता सही नहीं है, पूरा जो है रास्ता को उखाड़ दिया गया है, इसीलिए समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सही टाइम पे आइए, अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से दीजिए, फिर हम जो है कल रिव्यू करेंगे जो है उसका यूपी बीएड का, कि जो है पेपर कैसा रहा है। तो फिर कल मिलेंगे जो है एग्ज़ाम सेंटर पे ही, और नया वीडियो आएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।